अब आपने YouTube और Instagram पर रील्स और शॉर्ट्स देखे होंगे जहां पर ऐसे कैप्शंस होते हैं जो इन वीडियोस को और कूल बनाते हैं, और आप लोग भी यही कैप्शंस अपनी वीडियोस में ऐड करना चाहते हो, राइट? और इसीलिए आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको तीन मेथड्स जिसके बाद आप अपनी वीडियोस में सिर्फ एक क्लिक में ऐसे कैप्शंस ऐड कर लोगे। अब इन तीनों ही मेथड्स को या कह लो प्लेटफॉर्म्स को 3 से 1 तक की रैंकिंग देंगे, तो थर्ड नंबर पर है क्लिपचैम। सिंपल है, app.clipchamp.com की वेबसाइट है, यहां से क्रिएट न्यू वीडियो पर आ जाओ, वीडियो को उठाकर इंपोर्ट कर लो, फिर वीडियो को टाइमलाइन में ले आओ, राइट साइड में ऊपर कैप्शंस का ऑप्शन मिलेगा, यहां से ट्रांसक्राइब करो। सबसे पहले अपनी लैंग्वेज चूज करो, तो भाई मैं तो इंग्लिश में चाहता हूं तो इंग्लिश इंडिया चूज करूंगा, फिर कंफर्म कर दो। अब यहां पर हमारे सबटाइटल जनरेट हो चुके हैं, अब इनमें अगर आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाए तो उसे आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो, जैसे ये AI है इसको ठीक करेंगे। उसके बाद में टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर करूंगा, साइज बड़ा, फॉन्ट चेंज करेंगे, भाई मुझे ये फॉन्ट पसंद है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, कलर को चेंज करके येलो करेंगे, शेडो चाहिए भाई तो ले सकते हो, आउटलाइन वगैरह सारी चीजें हैं क्योंकि इससे वीडियो और अच्छी लगेगी। अब ये हो गया, यहाँ से फॉन्ट्स देखो सब बढ़िया तरीके से ऐड हो चुके हैं कैप्शंस, अब सीधा एक्सपोर्ट करो यहाँ से 1080 पिक्सल। आज YouTube पर बहुत सारे, अब देखो सच बताऊं तो एक्सपोर्ट करने के बाद भी क्वालिटी में कोई इशू देखने को नहीं मिला। अगला तरीका है कैप्शन जनरेट करने का सिंप्लीफाइड, इनकी वेबसाइट पर आ जाओ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर ओपन कर लो, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर जाओ, अब साइन अप करके यहां से न्यू वीडियो पर आ जाओ, फिर ये जो है पिक्सल्स ऐसी रहने दो या कोई और सा चूज करना है वो चूज कर लो और क्रिएट करो। अब अगेन वीडियो यहां से ड्रैग करके ले आओ जिससे इंपोर्ट हो जाएगी, फिर सबटाइटल पे जाओ और यहां से लैंग्वेज सिलेक्ट करके जनरेट सबटाइटल कर लो। लेकिन वेट, ये तो हिंदी में जनरेट हुआ है तो अब इसको आपको एडिट करना है, उसके बाद में सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लो, फिर चैट GPT पर आ जाओ और यहां टाइप करने के बाद में लिख दो कन्वर्ट इनटू इंग्लिश विद सेम लैंग्वेज, ठीक है। अब इसको यहाँ से कॉपी करके वापस जाओ और यहाँ पेस्ट कर दो एंड डन करो। अब स्टाइल्स पे जाओ और जिस किसी स्टाइल में आपको कैप्शन चाहिए उसे सिलेक्ट कर लो यहाँ से, जैसे ये वाला मुझे बढ़िया लगा, साइज बढ़ा लो थोड़ा, थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह भी सेट कर लेते हैं। अब यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, अब ये वीडियो हो गई रेडी, लेकिन इसको ओपन करके देखा तो वाटरमार्क आ रहा था, तो इस केस में अगर आप लोग वाटरमार्क हटाना चाहते हो तो सिंपल है, इनकी मेंबरशिप बाय कर लो जो कि अराउंड आपको $30 पर मंथ की पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोग पूरे साल की मेंबरशिप लेते हो तो आपको उस पे 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि इतने कम पैसों में आपको इतने सारे टूल्स और एडिटर्स का पूरा पैकेज मिल रहा है। पर अगर आप लोग इसको फ्री में यूज करते हो तो आपको इसमें वाटरमार्क देखने को मिलेगा, और दूसरा आप इस पर सिर्फ 30 मिनट्स का ही सबटाइटल जनरेट कर सकते हो, या कह लो कि एक एक मिनट की 30 वीडियोस का सबटाइटल जनरेट हो जाएगा, बट उसके बाद में आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, बाद में क्या पहले भी लेनी पड़ेगी। इसके बाद बात करें तो हमारा फर्स्ट मेथड है हिटपॉ एडिमेकर, ऑल इन वन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, आप AI की मदद से कैप्शन जनरेट कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी हो जाएगी। सिंपल है, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर वहां से डाउनलोड कर लो। पहले वाले दोनों ही मेथड्स वेबसाइट बेस्ड मेथड्स हैं, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मेथड है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा जहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सबटाइटल मेकर, टेक्स्ट टू स्पीच ये सब है। सिंपल है, क्रिएट वीडियो पर आ जाओ, अब वीडियो को उठाकर ड्रैग करो और सीधा इंपोर्ट कर लो, फिर टाइमलाइन में ले आओ, ठीक है। अब ऊपर की तरफ आपको सबटाइटल का ऑप्शन मिल रहा है तो इस पर आ जाओ, यहां से अगेन लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको दी गई हैं, जिस किसी लैंग्वेज में जनरेट करना है वो कर सकते हो, हमें तो इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे एंड ऑटो सबटाइटलिंग पर क्लिक कर देंगे। ओके, सो अब इन्होंने यहाँ पर सबटाइटल को जनरेट कर दिया है, देख रहे हो आप स्क्रीन पर आ रहा है, तो अभी काफी सिंपल सा लग रहा है तो हम इसको थोड़ा बढ़िया बनाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि सारे के सारे सबटाइटल को सिलेक्ट कर लो एंड ये देखो यहाँ पर आ गया आपके सामने, आप यहाँ पर फॉन्ट चूज कर सकते हो, जो कोई फॉन्ट आपको चाहिए बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, सेंटर में लाना है, लेफ्ट में रखना है। यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स मिल रहे हैं आपको जिसको कि अगर आप चाहो तो मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, कलर चूज करके बैकग्राउंड के थ्रू या फिर टेक्स्ट का बॉर्डर स्ट्रोक वगैरह बना सकते हो, लेकिन ये प्रीसेट से बढ़िया है कि आप स्टाइल्स में आ जाओ और यहाँ देखो सिंपल सा आपको पूरे पूरे स्टाइल्स के प्रीसेट मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे चाहिए आप जो स्टाइल चाहिए उसको आप सिलेक्ट करो और ये देखो, ठीक है। अच्छा, ये मेथड के साथ जो सॉफ्टवेयर आपको बताया ये पिछले दोनों वाले मेथड से काफी अच्छा है क्योंकि ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको इनबिल्ट AI सबटाइटल जनरेटर मिल रहा है। अब इस सॉफ्टवेयर की एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊं तो आप देखो यहां से आपने सबटाइटल सिलेक्ट किए, उसके बाद आ जाओ सबटाइटल्स में, तो ये रहे भाई हमारे सारे के सारे सबटाइटल्स, अगर कुछ एडिट करना है, कुछ चेंज करना है तो वो सब मैं यहां से कर सकता हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा कि ये देखो यहां आपको एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है जहां पर आप चाहो तो SRT फाइल में अपने सबटाइटल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, SRT के बारे में काफी लोगों को नहीं पता होगा तो बता देता हूं कि YouTube पर आपने देखा होगा कि कैप्शंस का एक ऑप्शन आता है तो वहां पर हम चाहे तो अपने सबटाइटल्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू एक SRT फाइल जनरेट कर लेते हैं अपने सबटाइटल की तो सिर्फ उस SRT फाइल को हम अपलोड कर दें YouTube पर और हमारा सबटाइटल का काम, कैप्शंस का
उसका काम हो गया। और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमें SRT की जरूरत क्या है जब सॉफ्टवेयर ही हमें काम करके दे रहा है। तो भाई ऐसा है ना, एक दो लैंग्वेज में तो आप कर लोगे, लेकिन वहां पर मल्टीपल लैंग्वेज में जब आप जनरेट करोगे तो बहुत दिक्कत होगी, तो जिसके लिए आपको SRT फाइल की जरूरत पड़ सकती है, तो वो एक एडवांटेज है सॉफ्टवेयर का। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहां से देखो ट्रांसलेट भी कर सकते हो और भी काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। प्लस आपको टेक्स्ट टू स्पीच का भी ऑप्शन मिल रहा है, अगर आप चाहते हो भाई डबिंग वगैरह कराना अपनी वीडियो में तो वो भी यहां से कर सकते हो, जिसकी आपको कॉस्ट लगेगी। ये कुछ कॉइन्स हैं AI के जो हिटपॉडी मेकर के इनबिल्ट है, आप जब सॉफ्टवेयर को परचेस करोगे तो आपको साथ में मिलेंगे। इतनी सारी फीचर्स के साथ आ रहा है सॉफ्टवेयर तो कोई फ्री तो होगा नहीं। हिटपॉडी मेकर एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसकी मंथली मेंबरशिप है $20 की और एनुअल मेंबरशिप है $50 की, लेकिन आप इसको लाइफ टाइम के लिए भी बाय कर सकते हो अराउंड $70 में। तो अगर ये सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा हो तो लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर बाय कर लेना एंड आप अपने सबटाइटल्स और वीडियो एडिटिंग इसी सॉफ्टवेयर में आराम से कर पाओगे। तो चलो यही था कुछ आज का वीडियो, मुझे आप लोगों को बताने थे बेस्ट फ्री नहीं फ्री है लेकिन उतने नहीं है तो सबटाइटल जनरेटर, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आप लोग किस तरीके से सबटाइटल जनरेट करते हो। तो चलो यही था कुछ आज का वीडियो, मिलेंगे और किसी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।